हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल एमपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण। देखिए, हमारे पास रेजिस्टेंस का दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। सिंपली एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हिंदी में हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब इससे रिलेटेड आपसे एमपी बोर्ड में बहुत आसान आसान सरल सरल से न्यूमेरिकल पूछता है। अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आप सपोज करो कि वो आपसे कहे कि 2 ओम के, 2 ओम जो है वैल्यू है, 2 ओम के आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं। अब 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, वो तीनों रेजिस्टेंस को या तो वो आपसे कह रहा है कि इसने सीरीज कॉम्बिनेशन में अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, या फिर आपका जो है पैरेलल क्रम में अर्थात समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। आपसे दो में से एक पूछेगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है तब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, और समांतर क्रम में जोड़ दे तब आपका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, समांतर क्रम संयोजन कितना होगा। तो चूंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा क्वेश्चन वन जो कह रहा है कि तीन रजिस्टर है, लेकिन तीनों की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 ओम 2 ओम 2 ओम। मतलब अगर हम पहले श्रेणी क्रम के लिए जाते हैं तो हमें गिवन है, गिवन अर्थात दिया है। अब आपको क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ पे आपको 3 रजिस्टर दिए हैं, R1 R2 और क्या दिए हुए हैं, R3। तो R1 कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है। R2 कितना दिया है, ये भी 2 ओम दिया हुआ है। और R3 कितना दिया हुआ है, 2 ओम। तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा अर्थात कैपिटल R कितना होगा, तो हमें श्रेणी क्रम के लिए पता है, हम जानते हैं सीरीज क्रम में क्या होता है तुल्य प्रतिरोध, R1 + R2 + R3। आप जानते हैं, वी नो दैट, काय के लिए जानते हैं ये, आप सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जानते हैं, श्रेणी क्रम के लिए जानते हैं। तो R इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 2 + 2 + 2 ओम, तो ये टोटल 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 ओम। कितना आसान काम था। अगर इसी क्वेश्चन के लिए वो कह देता कि आप सीरीज क्रम के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए निकालिए, तब भी चूंकि पहला तीनों का कितना होगा, R1 आपका 2 ओम है, R2 आपका 2 ओम है और R3 भी आपका कितना है, 2 ओम है। इस केस में क्या होगा, हमें अगर हमारा जो इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R हो, तुल्य प्रतिरोध R हो, तो हमारा फार्मूला तो वही है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/R = कितना हो जाएगा, 1/2 + 1/2 + 1/2। तो यहाँ पे 1/R = कितना हो जाएगा, एलसीएम लेना होगा, एलसीएम कितना आया, 2। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1। तो 1/R = कितना हो गया, 3/2। लेकिन यहाँ रुकना नहीं, हमें वैल्यू काहे की निकालना है, आर की। तो यहाँ पे हम इसको पलट देंगे तो R = कितना आ जाएगा, 2/3 ओम। आपका आंसर आगे इतना। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम सपोज करते हैं हमें गिवन दे कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, 1 ओम 2 ओम 3 ओम के रेजिस्टेंस हैं। तो और इनको उसने फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन में पूछेगा या पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूछेगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा और पैरेलल में कितना होगा, मैं दोनों तरीके से आपको दिखा देता हूँ। चूंकि यहाँ 1 ओम 2 ओम 3 ओम गिवन है, तो R1 = क्या होगा, 1 ओम, R2 = कितना हो गया, 2 ओम, और R3 = कितना हो गया आपका, 3 ओम। यहाँ पर अगर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालना है तो हमारा क्या होता है, R = R1 + R2 + R3। फिर से हम इसे ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3, तो R = कितना हो गया आपका, 6 ओम। ये हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया, काय के लिए हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अगर इन्हीं रजिस्टर्स को अगर हमें कहता कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालो, तो पैरेलल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला चेंज करते। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम वैल्यू पुट करते, 1/R = 1/1 + 1/2 + 1/3। अब यहाँ क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम कितना है, 6 + 6 = 6, तो 6 + 6, 2 + 3 = 6, तो 3 + 3, 3 + 2 = 6, तो ये कितना हो गया आपका, 2। तो 1/R = कितना हो गया, ये टोटल 6 + 3 = 9 और 2 = 11/6। तो इफेक्टिव जो आर होगा वो कितना हो जाएगा, 6/11। ये आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी वैल्यू हो जाती
है। ये दो डायग्राम मैंने बनाए हैं, इनका इफेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम देखते हैं, ये हमें डायग्राम बना हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए पॉइंट से लेके बी तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ देखना ये है कि यहाँ देखना क्या है हमें, ये दोनों 4 ओम और 4 ओम यहाँ किस कॉम्बिनेशन में अटैच है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर वन निकाल लेंगे और इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या निकाल लेंगे, हम आर टू निकाल लेंगे। तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और ये 1+1 मतलब 2/4। तो 1/r1 इक्वल टू कितना आया, 1/2, अर्थात हमारा r1 इक्वल टू कितना आ गया, 2। इसी तरीके से हम r2 निकालेंगे तो 1/r2 कितना हो जाएगा, चूंकि वहां 6 है तो 1/6 प्लस 1/6 मतलब 1+1/6 मतलब 2/6 अर्थात 1/3। तो 1/r2 इक्वल टू, चूंकि यहाँ कितना हो रहा है 1/3, तो r2 इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो यहाँ अगर अगर हम डायग्राम फिर से बनाएं तो हमें क्या मिला, ये दो रेजिस्टेंस मिलेंगे, एक तो r1 मिलेगा एक r2 मिलेगा। तो r1 हमारा कितना आया यहाँ पर, 2 आया, और r2 कितना आया, 3 आया। अब ये दोनों काय में आ गए, सीरीज में आ गए, तो सीरीज के लिए इफेक्टिव क्या होगा आपका, r होगा, तो r क्या होगा, r1+r2। तो r इक्वल टू कितना हो गया, 2+3, तो r इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 5 ओम। यही इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो हमने क्या किया, पहले इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकाला, इससे हमें एक निकल के आ गया, और इससे हमने दूसरा निकाल लिया, और दोनों को हमने सीरीज में निकाल दिया। अब मेरे पास एक और बना हुआ है, तो इसमें देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो अंदर बना हुआ है इसका हम पहले सीरीज में निकालेंगे। इसका सीरीज में निकालने के लिए हम मान लेते हैं ये R1 है, तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 5+5 इक्वल टू ये कितना आ गया हमारा, 10 ओम। तो हम फिर से डायग्राम बना लेते हैं, तो अब हमें क्या मिला, हमें ये मिला 10 ओम के दो रजिस्टर जो होंगे वो हमारे पैरेलल में आ जाएंगे, और ये तीसरा जो है यहाँ सीरीज में अटैच है, और ये पॉइंट आपका बी हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका हम पैरेलल में निकालते हैं, तो हम R2 निकाल लेते हैं, तो 1/r2 इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 10, तो 1+1 अर्थात 2/10, तो ये कितना आ गया, 1/5। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, R इक्वल टू कितना आ गया, 5 ओम। तो अब क्या बचा आपके पास, एक इस पूरे का जो है 5 ओम आ गया, और आगे कितना है हमारा, 10 ओम था, ये तो हमें गिवन था। अब ये ए से लेके कहां तक गए, हम बी तक गए, ये दोनों काय में आ गए, सीरीज में आ गए, तो R इक्वल टू क्या होगा, R1+R2 अर्थात 5+10 इक्वल टू 15 ओम। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई और आपसे नहीं बन रहा हो तो कमेंट में क्वेश्चन मुझे भेज दीजिएगा, मैं नई वीडियो आपको बना के दे दूंगा। इसी तरह के वीडियो के लिए चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एमपी वर्ड में से इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, अगली वीडियो में जो है कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पर लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।